हेलो स्टूडेंट्स क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट सिक्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा चल रहा था जिसमें हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के डेफिनेशन को समझा क्या फ़ीचर्स क्या कैरेक्टरिस्टिक है और कितने पार्टीज़ इन्वॉल्व होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये हमने देखा फिर लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि क्या प्रोमिसरी नोट किसे कहते हैं और कितने पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं आज जो है आपका हम जानेंगे कि क्या फीचर्स है आपके प्रोमिसरी नोट के बिल्स ऑफ एक्सचेंज का तो हमने देख लिया था प्रॉमिसरी नोट में आपके कितने पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं ये सब कुछ हमने कर लिया है क्या फीचर्स है उसको हम वन बाय वन करके यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले आप लोग थ्योरिटिकल पार्ट को कवर कर लोगे हालाँकि थ्योरटिकल पार्ट कवर करने से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन फिर भी आपको बनाना ही है तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा तो सबसे पहले हम इसमें जितना भी इसका थ्योरटिकल पार्ट है वो कम्प्लीट करते हैं और एक नंबर का सवाल भी जो है एग्जामिनेशन uh, में आपका इन्हीं सब से आता है जितने भी आपको हम थियोटिकल पार्ट यहाँ पढ़ाएंगे देखिए क्या फीचर्स है इसका हम आपको बुक से ही स्टार्ट करते हैं यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट आपने समझ लिया था एक होता है इसमें सेलर और एक है आपका इसमें बायर परचेजर डेटर ये हो गया आपका सेलर ये हो गया बायर उधार में सामान बेचा गया है अमाउंट जितना भी आप मान लो किस में बेचा गया है क्रेडिट में बेचा गया है प्रॉमिसरी नोट की अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं ये बिल को ड्रॉ करता है तो ये कहलाता है आपका मेकर और आ, इसके बाद जिसको पे किया गया है वो कहलाता है पे इसने बिल को ड्रॉ किया है तो इसने क्या किया है प्रॉमिस किया है ऐसे कि हम आपको सर्टेन सम ऑफ मनी जो भी है टेन थाउजेंड वो पे करेंगे तो इसी नोट को हम बोलते हैं प्रमिशरी नोट इसके ऊपर सारा अमाउंट वगैरह सब कुछ लिखा रहता है और बी जो है यहाँ पर अपना इसमें साइन करता है ठीक है ये बातें तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझ लिया था क्या फीचर्स है वो हम वन बाय वन करके समझते हैं प्रोमिसरी नोट डीके गोल के, के बुक में आप देखिएगा तो 18.4 पेज नंबर आपका होगा वहाँ पर आपका प्रोमिसरी नोट का डेफिनेशन और उसके नीचे फीचर्स लिखा है चलिए फीचर्स नंबर जो है आपका वन क्या विशेषता है वो हम समझते हैं पॉइंट वाइज आपका पहला कहता है कि इट मस्ट बी इन राइटिंग देखिए कोई भी चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो चाहे आपका प्रोमिसरी नोट हो वो क्या होना चाहिए राइटिंग होना चाहिए लिखित होना चाहिए अब आप जाहिर सी बात है कि बिज़नेस करने बैठे हो अगर आपको सारा ओरल ही करना होता एक दूसरे से बातचीत ही करके करना होता तो यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सब कुछ चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है वो राइटिंग ही होना चाहिए मतलब ये लिखित होना चाहिए पहला फीचर्स तो आपको समझ में आया बिना लिखित के कोई प्रमाण भी नहीं है अगर आप लिखोगे नहीं एक नोट जो प्रोमिसरी नोट बना रहे हो या बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना रहे हो अगर वो लिखित नहीं होगा तो फिर कोई प्रमाण नहीं होगा तो फिर इस चैप्टर को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है तो फिर इस तरीके से बिज़नेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है तो पहला तो ये राइटिंग मतलब ये लिखित होना चाहिए ये तो आप भी समझ रहे हो बात को दूसरा नंबर फीचर्स कहता है देयर मस्ट बी अ प्रोमिस टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी इन इट तो यहां पर क्या है uh, प्रॉमिसरी नोट के केस में कि बी जो है यानी डेटर यानी परचेजर वो प्रॉमिस करता है देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन ऑफ मनी इन इट यानी इसके ऊपर जितना एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करना है यहाँ पे सपोज टेन थाउजेंड रुपीज़ तो वो प्रॉमिस होना चाहिए प्रॉमिस करना चाहिए आगे लिखता है फॉर एग्ज़ाम्पल आई ओ यू रुपीज़ टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड लिखा हुआ यहाँ पर इज नॉट अ प्रॉमिस या इट्स इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट बिकॉज इट इज़ मेरली एन एक्नोलिजमेंट ऑफ डेट एंड देयर इज़ नो प्रमिस टू पे तो यहाँ पर लिखा हुआ है अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे तो मान लो इसके ऊपर लिखा हुआ है आई ओ यू रुपीज़ टेन थाउजेंड तो ये आपका प्रॉमिस नहीं है यू प्रॉमिस नहीं है कि आपको तो हम टेन थाउजेंड देंगे तो प्रॉमिस इसीलिए नहीं है ये क्योंकि ये डेट का एक्नॉलेजमेंट है कि हाँ आपको हमको दस हज़ार रुपये देना है तो ये सिर्फ नहीं है यहाँ पर आपका लिखा होना चाहिए कि टू मंथ्स आफ्टर डेट आई प्रोमिस टू पे है ना एस और ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड यानी हमने जो सामान दस हज़ार रुपये का वैल्यू रिसीव किया है इसके बदले में आपको इस डेट को हम जो है इतना अमाउंट पे करेंगे तो इस बात का प्रॉमिस होना चाहिए सिर्फ हम आपको टेन थाउजेंड रुपीज देंगे ये कोई प्रॉमिस नहीं है तो पूरा आपका इसमें सेंटेंस अच्छे से लिखा होना चाहिए क्लियर है बात तो देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन इट इसमें ये इस बात का प्रॉमिस होना चाहिए कि इस डेट को इस टाइम पर हम आपको टेन थाउजेंड रुपीज़ या फाइव लाख रुपीज टेन लाख रुपीज जो भी इसके ऊपर लिखा होगा वो आपको इस डेट को पे करेंगे तो ये हो गया दूसरा फीचर्स प्रॉमिस प्रामिस का थर्ड फीचर्स जो है वो क्या है थर्ड फीचर कहता है द प्रॉमिस टू मेक पेमेंट मस्ट बी अनकंडीशनल तो जो भी आप यहाँ पर प्रॉमिस कर रहे हो पे करने का यानी बायर जो है या मेकर बोल सकते हो या आप परचेजर बोल सकते हो तो जो टेक्निकल टर्म इस्तेमाल किया गया है मेकर हम वही इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर जो मेकर है वो क्या है जो भी प्रॉमिस कर रहा है किसको सेलर को वो अनकंडीशनल होना चाहिए यानी उसमें कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए जैसा कि आप इसमें देखोगे कि लिखा है आई प्रॉमिस एग्जाम्पल के तौर पे आई प्रॉमिस टू पे रुपीज टेन थाउजेंड एज सुन एज पॉसिबल इट एज सुन एज पॉसिबल इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट बिकॉज इट इज नॉट अनकंडीशनल यहां पर लगा दिया है क्या कि आई प्रॉमिस टू पे रुपीज टेन थाउजेंड एज सुन एज पॉसिबल यहां पर लिख दिया जाएगा अगर एज सुन एज पॉसिबल तो जाहिर सी बात है क्या ये बोलता है प्रोमिसरी जो नोट है वो कैसा होना चाहिए तो ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग यानी अनकंडीशनल प्रामिस कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए आप कह रहे हो एज सुन एज पॉसिबल तो ये तो आप कंडीशन लगा रहे हो तो इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए चाहे हम प्रोमिसरी नोट की बात करें इसलिए भी अनकंडीशनल होना चाहिए चाहे हम आपका बात करें बिल्स ऑफिशिय की दोनों आपका अनकंडीशनल होना चाहिए इसमें कोई भी कंडीशन लगा हुआ नहीं होना चाहिए आगे कहता है फोर्थ नंबर क्या कहता है द अमाउंट टू बी पेड मस्ट बी स्पेसिफाइड और डेफिनेट बिल्कुल ये तो आप भी जान रहे हो कि जो भी अमाउंट यहां पे पे करना है वो एक डेफिनेट अमाउंट एक स्पेसिफाइड तो 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 अमाउंट होना चाहिए तो यह हो गया पॉइंट नंबर फोर इट मस्ट बी साइंड बाय मस्ट बी मेकर और दर तो यहाँ पर किसका साइन होना चाहिए बायर का परचेजर का या मेकर का यहाँ पे साइन होना जरूरी है इसके ऊपर जो है सेलर का साइन नहीं होता है प्रॉमिसरी नोट में सेलर यहाँ पे साइन नहीं करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सेलर भी साइन करता है बायर भी साइन करता है जो कि बनाता कौन है सेलर बनाता है लेकिन प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ कौन साइन करेगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायर साइन करेगा यहाँ पर अगर हम बात करें बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तो इसमें सेलर भी साइन करता है बायर भी अपना साइन करता है दोनों को यहाँ पर साइन करना जरूरी है लेकिन प्रॉमिसरी नोट के केस में जो साइन करेगा वो सिर्फ बायर साइन करेगा ये बताएगा ये सिर्फ साइन करके इस बात का प्रूफ देगा कि हमें जो है सेलर को यहाँ पे पे करना है इतना इतना अमाउंट ये हो गया तो आगे लग आगे लिखता है द नेम ऑफ द पे मस्ट बी मैंसन इन इट तो किसे पे करना है कौन पे होगा ये भी इसके ऊपर मैंसन होना चाहिए प्रोमिसरी नोट के ऊपर मेंशन होना चाहिए ठीक है बात आगे देखते हैं The promissory नोट कैनॉट बी मेड पेबल टू bearer. तो यहाँ पर यह भी बात लिखता है अगर आप देखिएगा कि promissory नोट cannot बी मेड पेबल टू bearer, यानी जो भी इसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा है जो भी लेकर के आ जाएगा उसे पेमेंट दे दो है ना यहाँ पर मान लो कि S कहता है कि आप जो है bearer के ऊपर मतलब इसमें जो है किसे पे करना है पे का नाम होना चाहिए कोई भी लेकर के आ जाता है प्रोमिसरी नोट तो उसको पेमेंट नहीं मिलेगा यहाँ पर ये भी आपका फीचर्स में इंक्लूड किया गया है मतलब जिसका नाम होगा उसे ही यहाँ पर पे किया जाएगा तो वही पे यहाँ पे कहलाएगा सबसे लास्ट फीचर लिखता है इट मस्ट बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू तो स्टैम्प जो है आपका यहाँ पर जो कोट का मुहर होता है कह सकते हो वो यहाँ पे लगा होना चाहिए तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी ये बात होना चाहिए और यहाँ प्रोमिसरी नोट में भी ये बात आपका होना चाहिए तो ये हो गया आपका फीचर्स प्रोमिसरी नोट का फीचर्स के बाद आपका क्या है डेफिनेशन है डेफिनेशन uh, तो हो गया डिफरेंस uh, है आपका कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है प्रोमिसरी नोट के बीच में और जो है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बीच में क्या डिफरेंस है उसको हम वन बाय वन करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो बेसिकली आपका डिफरेंस ही बचा हुआ है उसके बाद डेट ऑफ मेचोरिटी एंड डेज ऑफ ग्रेस किसे कहते हैं ये बात हम आपको समझाएंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे तो सबसे पहले हम आपको मेचोरिटी डेट निकालना सिखाएंगे ड्यू डेट निकालना सिखाएंगे चलिए वन बाय वन करके आप बुक में सारी बातें लिखी हुई हैं आप यहाँ पर आपको हम समझाएंगे तो एक चीज़ आप जान लो कि देयर इज नो एक्सेप्टर इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट बिकॉज द मेकर हिमसेल्फ इज लाइबल टू पे दी अमाउंट तो यहाँ पर कोई भी जो है एक्सेप्टर प्रमिसरी नोट के केस में नहीं होता है क्योंकि एक्सेप्टर इसलिए नहीं देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में बायर एक्सेप्टर होता था क्योंकि इसको एक्सेप्ट करना है बिल क्योंकि हाँ हम आपको पे करेंगे लेकिन प्रोमिसरी नोट खुद ही बायर बना रहा है खुद ही परचेजर बना रहा है तो यहाँ पर प्रोमिसनरी नोट के केस में कोई एक्सेप्टर नहीं होगा आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इस पर साइन कर दो और आप एक्सेप्ट कर लो ये क्यों एक्सेप्ट करेगा सेलर पे इसे थोड़ी करना है पे तो इसे करना है तो इसका अपना साइन हो गया बात खत्म हो गया है ना तो यहाँ पर जो है कोई एक्सेप्टर नहीं होता है क्योंकि ये तो खुद ही साइन करके एक्सेप्ट यहाँ पे कर लिया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के किस में एक्सेप्टर होता था क्यों क्योंकि इसने बनाया है इसे एक्सेप्ट करना है और ये अपना साइन खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है इसलिए यहाँ पर कोई एक्सेप्टर की जरूरत नहीं है इसलिए इसमें दो ही पार्टी होते हैं एक मेकर और एक पे अब आते हैं दोनों के बीच के डिफरेंस पे जितना भी थोरिटिकल पाथ है उसको हम बिल्कुल लाइन बाय लाइन करके पहले समझेंगे क्या कहता है पहला डिफरेंस सबसे पहले आप देखोगे इसमें कॉलम बना हुआ है इसमें है बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन यानी किस बेसिस पे किस चीज को आधार मानते हुए हम दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे एक साइड आपका हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज और दूसरा हो गया बी थ्री पार्टीज टू इट यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं यहां पे देखिएगा एक्सचेंज और इधर साइड हो गया आपका प्रमेसरी नोट अब यहां पर हम आपको दोनों के बीच में वन बाई वन देते सारा डिफरेंस बताते हैं पहला क्या कहता है देअर मस्ट बी यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बता रहे हैं देयर मस्ट बी थ्री पार्टीज टू एट इसमें तीन पार्टी होने चाहिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये तो आप खुद ही जान रहे हो आपको बता दिए हैं ड्रॉवर ड्राई और पेई तीन पार्टी होनी चाहिए ड्रावर ये ड्रॉवर कहलाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसमें बता रहे हैं ड्रावर ड्रॉई और जिसे भी पे किया जाएगा एस यानी ड्रॉअर खुद भी पे हो सकता है या ये किसी और को कहे मान लो कि सी को कहता है तो सी भी यहां पर पे हो सकता है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज हो गए ड्रॉअर ड्रॉई और पे पे या तो सेलर भी हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है इसमें तीन पार्टी हो गए अब देखिए दूसरा तो में क्या कहता है दो पार्टी होंगे उसमें देयर आर ओनली टू पार्टीज टू इट द मेकर हु ड्रॉ द बिल जॉब दोट एंड साइन इट एंड पे टू होम दी अमाउंट इज पेबर तो कहने का मतलब है कि सीधा सीधा इसमें दो पार्टी होते हैं एक हो गया आपका मेकर और एक हो गया आपका पेई जिसे भी पे करना है वो पे इसमें दो पार्टी हो गए मेकर और पे तो इसमें तीन पार्टी ड्रॉवर ड्राई पे इसमें हो गया आपका मेकर और पे बस आगे ड्रॉवर ड्रॉर यानी बिल्कुल ड्रॉ कौन करता है तो सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज की हम बात करेंगे पहला पॉइंट तो आपका हो गया दूसरा हो गया इसमें इट इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं कौन ड्रॉ करता है क्रेडिटर तो इसको आप कह सकते हैं सेलर इसको आप कह सकते हैं क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स क्यों कहेंगे क्योंकि ये उसने उधार में सामान बेच रहा है ना बच्चे इस क्या कर रहा है ये उधार में सामान बेच तो सेलर तो ये है ही क्योंकि सामान तो बेच रहा है अब चाहे कैश में बेचे चाहे आपका क्रेडिट में बेचे सेलर तो ये कह रहा है तो सेलर तो है लेकिन साथ ही साथ चूंकि उसने उधार में सामान बेचा है इसलिए इसको हम क्रेडिटर भी कहते हैं तो इसीलिए कहता है इट इज़ जॉन बाय द क्रेडिटर ये जो है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो कौन ड्रॉ करता है क्रेडिटर सेलर दोनों यहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर सेलर या क्रेडिटर इसका जो है है। बिल को करता है। दूसरे में, नोट में कहता है, है। उधार में बेचा गया तो डेटर बनेगा ना ये हो गया क्रिएटर ये हो गया डेटर जिसको हम बायर परचेजर यहाँ पे हम मेकर बोलते हैं तो जो टेक्निकल टर्म है उसी का इस्तेमाल करेंगे यहां पे हम इसको मेकर बोलेंगे तो इट इज ड्रॉन बाय द डेटर ठीक है यहाँ पे कहता है कि ये कौन ड्रॉ करता है डेटर यानी बायर यानी परचेजर यानी यहाँ पे जो है आपका मेकर ये यहाँ पे बिल्कुल ड्रॉ करता है डेटर लिखा है ठीक है ये भी एक्सेप्टेबल है डेटर लिख दिया है यहां पर आपका बायर भी लिख सकता था परचेजर भी लिख सकता था तो यहाँ पे बोलता है कि ये कौन ड्रा करता है डेटर तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेलर बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर और प्रोमिसरी नोट डेटर आगे क्या लिखता है इट इज़ एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट ये क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर है हम आपको बताए थे इसके पहले कि यह क्या है ऑर्डर है ये बी को ऑर्डर देता है कि तुम हमको इतने सर्टन सम ऑफ मनी इतने टाइम के बाद पे करोगे तो ये ऑर्डर है कैसा ऑर्डर है अनकंडीशनल ऑर्डर है और ये तो आपको समझ में आया आपका इट इज़ एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज दूसरा ये जो है प्रोमिसरी नोट है ना तो इसको क्या लिखता है इट इज अ प्रोमिस टू मेक पेमेंट ये क्या है प्रोमिसरी नोट ही लिखा हुआ है तो इसीलिए ये क्या है प्रोमिस टू मेक पेमेंट यानी ये क्या कर रहा है बी कह रहा है कि हम आपको प्रोमिस करते हैं कि इतना सर्टन मनी इस डेट के बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे तो ये प्रोमिस है तो इसे लिखता है इट इज एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर है और प्रोमिसरी नोट क्या है वो आपका प्रॉमिस है कि हम आपको पेमेंट कर देंगे तो यहां पर ऑर्डर कौन देता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सेलर और प्रॉमिस कौन करता है प्रॉमिसरी नोट में बायर आगे लिखता है इट नीड्स एक्सेप्टेंस बाय द दॉ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कहता है कि इसमें एक्सेप्टेंस का जरूरत होता है मतलब बी एस जो है बी के ऊपर यहां पे बिल को ड्रॉ किया और बी अपना साइन करके बिल्स ऑफ एक्सचेंज में यहाँ पे हम मान लो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो एस अपना साइन करता है और बी भी साइन करके एक्सेप्ट करता है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में यहां पर कहता है कि एक्सेप्टेंस जो है वहां पे जरूरी है इट नीड्स एक्सेप्टेंस बाय दी ड्राई ड्राई का इस पर साइन होना जरूरी है ताकि वह ये, ये बात का प्रूफ हो सके कि इसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया है इट डज नॉट नीट एक्सेप्टेंस और इसमें सेलर का कोई साइड बायर सिर्फ अपना साइन करेगा तो यहाँ पर कोई एक्सेप्टेंस का यहाँ पर बात नहीं होता है इट डज़ नॉट नीट एक्सेप्टेंस यहाँ पर जो है सिर्फ बी अपना साइन करके छोड़ देगा यहाँ पर एस को कोई साइन करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो इसमें कोई एक्सेप्टेंस का जरूरत नहीं पड़ता है बी अपना साइन करके छोड़ देगा लाइब्रेटी लाइब्रेटी क्या कहता है आपका दी लाइब्रेटी ऑफ दी ड्रावर इज सेकेंडरी यहाँ पर जो है ड्रावर का बिल्स ऑफ एक्सचेंज केस में जो लाइब्रेटी है वो क्या है सेकेंडरी है प्राइमरी नहीं है सेकेंडरी क्यों है क्योंकि देखिए इसको थोड़ी पे करना है पे तो आपको बायर को करना है तो इसकी जो भी लाइब्रेटी बनेगी सेलर की इसकी जो भी लाइब्रेटी बनेगी वो सेकेंडरी होगी प्राइमरी लाइब्रेटरी नहीं है इसने अपना सामान को उधार में बेच दिया है बी को अब जो लाइब्रेरी क्रिएट होगा वो बी के ऊपर क्रिएट होगा और बी को पेमेंट करना है तो प्राइमरी जो लाइब्रेरी है वो बी के ऊपर है इसके ऊपर सेकेंडरी लाइब्रेटी है सेकेंडरी क्यों है वो भी आगे बात आपका लिखा हुआ है यहाँ पे इज सेकेंडरी ही इज या ही विल बी लाइबल ओनली इफ द एक्सेप्टर डज नॉट पे ये तभी लाइबल होगा जब एक्सेप्टर यानी यहां पर बायर जो है वो पैसा देने से इनकार कर दे ड्यू डेट पे या मेचोरिटी डेट पे तो इसकी लाइब्रेटी तब क्रिएट होगी अदरवाइज इसको पैसा देना है ऐस की सेलर की कोई यहाँ पर लाइब्रेटी नहीं है चलिए ठीक है तो इसका जो आपको मैंने बता रहा था कि ये जो है इसका लाइब्रेटरी सेकेंडरी होता है प्राइमरी लाइब्रेरी आपका मेकर का होता है प्रोमिसरी नोट के केस में दी लाइब्रेरी ऑफ द ड्रॉवर यानी मेकर इस प्राइमरी तो इसका लाइब्रेरी क्या है प्राइमरी है इसने उधार में सामान बेचा बी को तो इसका लाइब्रेटी सेकेंडरी क्योंकि वो पेमेंट नहीं देगा तब इसका लाइब्रेरी क्रिएट होगा लेकिन प्रॉमिसरी नोट के केस में क्या है इसको पैसा देना है तो सारा का सारा प्राइमरी जो लाइब्रेटी है वो इसी के ऊपर है प्राइमरी मतलब सबसे पहला जो लाइब्रेटी है वो बायर के ऊपर ही है यानी मेकर यहां पे इसको कहते हैं ड्रॉवर लिखा है यहां पर इसको देख करके आप हड़बड़ा मत जाइएगा कि फिर यहां पे ड्रॉवर क्यों लिख दिया ड्रॉवर का मतलब यानी जो बिल को ड्रॉ कर रहा है मतलब बना रहा है इसको मेकर ही बोलते हैं हम यहाँ पर इसके बाद लिखा है पे क्या है बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन में पे सिक्स नंबर पॉइंट ड्रॉवर कैन बी पे ऑफ द बिल ड्रॉवर जो है यहां पर पे हो सकता है तीन पार्टी होते हैं पे कौन होगा रिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर तीन पार्टी होते हैं ड्रॉवर ड्रॉई और पे तीन पार्टी होते हैं लिख देते हैं हम आपको तीन पार्टी होते हैं ड्रॉवर ड्रॉई और पे तीन पार्टी हो रहे हैं इसमें तो देखिए ड्रॉवर तो हो गया आपका सेलर ड्रॉई हो गया आपका बायर और पे हो गया जिसको पे करना है ठीक है तो यहां पर क्या लिखता है आ, पे के के केस में ड्रॉवर कैन बी पे ऑफ द बिल तो यहां पर जो है आपका ये हो गया ड्रॉवर ये हो गया ड्रॉई और पेमेंट जिसको बोलता है जिसको पेमेंट मिलेगा वो कह जाता है आपका पे तो यहां पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज केस में आपका आ, जो ड्रॉवर है वो पे भी हो सकता है तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि ड्रॉवर कैन बी पे ऑफ द बिल प्रॉमिसरी नोट में बात करता है तीन पार्ट दो पार्टीज में होते हैं आपके एक हो गया आपका मेकर और एक हो गया आपका पे दो, दो पार्टीज में हो गए तो इस केस में क्या कहता है आपका कि मेकर कैनॉट बी दी पे ऑफ द बिल अरे इसको ही तो पेमेंट करना है तो ये खुद पे कैसे हो सकता है ये अपने आप को पेमेंट कर देगा नहीं ना मान लीजिए दस हजार का सामान ये बेचा है तो ये इसको पेमेंट करेगा या किसी और पार्टी को करेगा जो कि जैसा कि एस बोलेगा लेकिन ये खुद पे भी नहीं हो सकता ये मेकर और पे एक नहीं हो सकता है, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर और पे एक हो सकता है लेकिन प्रोमिसनरी नोट के, के केस में मेकर और पे एक नहीं हो सकता क्योंकि खुद ही पे करना है है ना तो ये पे नहीं हो सकता है आगे इट इज बेटर टू गेट इट नोट इन केस ऑफ डिजॉर्नर्ड और दूसरे साइड देखता है नोटिंग इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ दी नोट तो नोटिंग चार्जेस कब होता है ये सब कुछ हम आपको प्रैक्टिकल में समझाएंगे देखिए अगर ब, बी जो है यहाँ पर पैसे देने से मेचोरिटी डेट को मना करता है तो इस केस में एस जो है वो बी के ऊपर केस कर सकता है तो एस पहले जाता है कहाँ नोटरी पब्लिक के पास और नोटरी पब्लिक जो कोर्ट के बाहर कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड पर्सन होते हैं उसे नोटरी पब्लिक कहते हैं वो ले जा करता है बी के पास ले जाएगा एस और नोटरी पब्लिक दोनों जाएगा बी के पास वहाँ पर फिर से बोला जाएगा कि बोलिए जो नोटरी पब्लिक है उसके सामने क्या पैसा दीजिएगा या नहीं अगर ये मना करता है तो फिर इसके ऊपर कोर्ट केस हो सकता है क्या होगा कैसे होगा ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आएगा वहाँ से हम आपको इस पॉइंट को समझाएंगे कॉपीज़ के बारे में लिखता है पॉइंट नंबर एट इन केस ऑफ लोकल बिल ओनली वन कॉपी इज प्रिपेयर्ड बट इन केस ऑफ फॉरेन बिल थ्री कॉपीज आर प्रिपेयर्ड तो अगर लोकल है आपका तो एक कॉपी प्रिपेयर होगा अगर फॉरेन से आपका व्यापार हो रहा है ट्रेड हो रहा है तो इस केस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इसके तीन कॉपी प्रिपेयर किए जाएंगे प्रोमिसरी नोट में लिखता है ओनली वन कॉपी इज प्रिपेयर्ड वेदर इट इज इट इज़ लोकल और फॉरेन अगर लोकल भी हो फॉरेन भी हो दोनों केस में आपका एक ही कॉपी प्रिपेयर होगा अगर स्टैम्प की बात करें पॉइंट नंबर नाइन में तो देर इज नो नीड टू फिक्स दी स्टैम्प ऑन दी बिल्स पेबल ऑन डिमांड पेबल और डिमांड का मतलब क्या होता है कि जब आप बिल को दिखाएं उस पर कोई मेचोरिटी डेट वगैरह मेंशन नहीं होता उसको है उसको पेबल ऑन डिमांड कहते हैं यानी जब आप बिल को सामने दिखाइए तब आपसे आपको पैसा मिलेगा तो अगर उस टाइप का कोई बिल है तो इस पर कोई भी आपका स्टैम्प को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है Otherwise, इसमें अगर ऐसा कोई पेबल ऑन डिमांड वाला बिल नहीं है जिसमें मैचोरिटी डेट वगैरह सब कुछ लिखा है किस डेट के बाद पेमेंट हो करेंगे तो उस बिल में आपका स्टैंप जो है वो लगा होना चाहिए आगे लिखता है इसमें प्रोमिसरी नोट में स्टैंप, आ, स्टैंप जो है किसी भी केस में होना चाहिए तो अगर बात करें बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अगर हम बात करें बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तो पेबल ऑन डिमांड है पेबल ऑन डिमांड का मतलब जब आप ले जाइए इसके सामने तब आपका उसका पेमेंट होगा तो इस केस में स्टैंप ड्यूटी इस पर ज़रूरी नहीं है स्टैंप ड्यूटी नहीं स्टैंप इस पर ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर पेबल ऑन डिमांड नहीं है मतलब इस पर कहता है कि डेट लिखा हुआ है मेचोरिटी डेट कि तीन महीने के बाद पेमेंट होगा तब इस पर स्टैंप का ज़रूरत है लेकिन प्रॉमिसरी नोट में चाहे जो भी हो इसमें हर हालत में आपका स्टैंप होना चाहिए तो डिफरेंस आपको समझ में आया यहाँ पर जो है आपका मैक्सिमम थियोटिकल पार्ट हम यहाँ पे कवर कर दिए हैं आ, आपको मैंने समझा दिया है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है फीचर्स क्या है और कितने पार्टीज़ है प्रोमिस नोट क्या है क्या फ़ीचर्स है इसका और कितने पार्टीज़ है दोनों के बीच में मैंने यहाँ पर आपको आपको डिफ्रेंस भी बता दिया अब जो है हम स्टार्ट करेंगे आपका कि मेचोरिटी डेट या ड्यू डेट किसे कहते हैं डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है नेक्स्ट वीडियो से सब कुछ हम ये आपका स्टार्ट करेंगे शुरू करेंगे और इसके बाद हम सबसे पहले मैच्योरिटी डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताएंगे और सारा इसका हम जितना भी प्रैक्टिकल पार्ट है आपका जो है ड्रॉवर के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या जनरेंट्री बनेगा ड्राई के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या जनरल एंट्री बनेगा है ना ये सब कुछ हम जनरल एंट्री सीखेंगे वन बाय वन करके बहुत सारा केस इसमें दिया है वो सारे केस को हम सॉल्व करेंगे तो आज के लिए इतना ही थैंक यू